दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की टॉप अपडेट्स लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने आ गया हूं। बताने वाला हूं आपको क्या है ब्रेकिंग अपडेट, साथ ही कौन सा प्लेयर बाहर हुआ, इसके अलावा किस बड़े प्लेयर की केकेआर में एंट्री हुआ और डेब्यू होगा। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, आईपीएल साल 2021 की अगर बात करें तो साल 2021 के सीजन को लेकर अभी भी कोई भी अपडेट यहां पर बीसीसीआई की तरफ से नहीं आया है। माहौल अभी ठंडा चल रहा है, बट बहुत ही जल्द बीसीसीआई कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला है। खैर, आज बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स यानी टीम केकेआर की, टॉप अपडेट्स बताऊंगा, क्या फ़ायदा क्या नुकसान इन अपडेट्स के चलते केकेआर को होगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के अंदर अगर बात करें तो रिप्लेसमेंट की केकेआर को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहां हाफ स्ट्रेंथ केकेआर के जो फॉरेन प्लेयर्स थे वो ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं, जो बड़े बड़े नाम है। आप नीचे जरूर कमेंट करके बताना कि आपके अकॉर्डिंग केकेआर में सबसे बड़ा खिलाड़ी अभी कौन मौजूद है। टॉप अपडेट्स की बात करें तो पहली अपडेट आ रही है शाकिब अल हसन को लेकर। दोस्तों, हम प्रीवियसली भी आपको बता चुके हैं और एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये न्यूज कंफर्म हो चुकी है, शाकिब अल हसन रूल्ड आउट हो चुके हैं आईपीएल साल 2021 के फेज टू से। और ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों, शाकिब अल हसन बैन तो होते ही रहते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है, बट शाकिब फेज टू खेलना चाहते थे, बट जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने यहां पर ना सिर्फ उनकी बल्कि जो मुस्तफिजुर रहमान है उनकी अवेलेबिलिटी भी दोनों की कैंसिल कर दी है। और इसके पीछे क्या बड़ा रीजन दिया है, उन्होंने बताया है कि जिस टाइम पर आईपीएल है उसके बाद यहां पर दोस्तों वर्ल्ड कप है, और उसके लिए वो यहां पर जो तैयारी है वो करना चाहते हैं, और वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कोई भी नेशनल टीम के अंदर ढीलापन हो। इसी के चलते वो नहीं चाहते कि आईपीएल के अंदर कोई भी उनकी नेशनल टीम का खिलाड़ी खेले। और दोस्तों, अगर शाकिब अल हसन इसके बावजूद भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अपोजिट जाकर यहां आईपीएल खेलने आते हैं तो उनका जो नेशनल कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप नीचे जरूर कमेंट करके बताना कि शाकिब अल हसन को टीम केकेआर मिस करेगी फेज टू में या फिर सब नॉर्मली रहने वाला है। दूसरी अपडेट आ रही है नए प्लेयर को लेकर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि शाकिब अल हसन तो जा चुके हैं, शाकिब अल हसन की यहां पर रिप्लेसमेंट कौन बनेगा? दोस्तों, आपको बता दें आईपीएल से पहले सीपीएल आने वाला है, और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक रिप्लेसमेंट तो शाकिब की जगह पर या फिर किसी और बड़े प्लेयर की जगह पर सीपीएल से ही आने वाली है, खासकर टीकेआर से। बट आपको बता दें अली खान भी लास्ट ईयर अच्छी परफॉर्म करके आए थे, तो जो भी सीपीएल के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस देगा उसे टीम में लिया जाएगा। बट एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि यहाँ पर संदीप लामिशानी को यहाँ पर टीम में लिया जा सकता है, स्पिनर को स्पिनर रिप्लेस करेगा, और एक अच्छे गेंदबाज हैं टीम में आते हैं तो फायदा होगा। आप नीचे जरूर कमेंट करके बताना कि क्या संदीप लामिशानी को टीम में लेना चाहिए एज अ रिप्लेसमेंट शाकिब की। तीसरी अपडेट आ रही है केकेआर के डेब्यू को लेकर। दोस्तों, इंडिया वर्सेज श्रीलंका की सीरीज अब स्टार्ट होने वाली है। आप सभी जानते हो केकेआर के काफ़ी सारे खिलाड़ी इस टीम के अंदर हैं, और यहाँ दोस्तों कन्फर्म हो चुका है कि दो खिलाड़ी केकेआर की टीम की तरफ से नेशनल टीम के लिए डेब्यू करने वाले हैं, वरुण चक्रवर्ती और नीतीश राणा। एकदम कन्फर्म न्यूज़ है, काफ़ी लोगों के लिए खुशखबरी होगी। काफी समय से वो वेट कर रहे थे अपने फेवरेट प्लेयर्स को टीम इंडिया की जर्सी में खेलता हुआ देखने के लिए। तो ये टीम की इंडिया की टॉप अपडेट्स। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।